हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट्स ऑफ बेली की। फर्स्ट राइट है राइट टू इन्फोर्स बेलर्स ड्यूटी, यानी कि जो भी बेलर्स की ड्यूटी अभी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी उन सबको इन्फोर्स कराने का राइट किसके पास है? बेली के पास है। और अगर बेलर अपनी उन ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता तो बेली के पास राइट है कि उसे वो कोर्ट में स्यू भी कर सकता है फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। सो दिस इज द फर्स्ट राइट टू द बेली। और ये सारे जितने भी ड्यूटीज हैं बेलर की वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो मैं इनको दोबारा से यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड। सेकंड राइट है कि जो गुड्स बेल किए गए हैं अगर उनके जो ओनर है वो एक से ज़्यादा है, यानी कि जॉइंट ओनर है, तो इन दैट केस बेली के पास राइट है कि वो उन जॉइंट ओनर में से किसी को भी वो गुड्स वापस कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल, गुड्स का आपने बेलमेंट किया, आपने किसी को हॉर्स दिया और उसके जो ओनर थे वो ABC तीन जने उसके ओनर थे, तो यहाँ पे बेली के पास राइट है कि या तो वो हॉर्स जो है वो ए को वापस कर दे, या बी को, या फिर सी को। या तो आप उसे बेली को क्लियरली बता दो कि आपको जो हॉर्स वापस करना है वो बी को करना है, या सी को करना है, या ए को करना है। और अगर आपने उसको कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी है तो इन दैट केस बेली के पास राइट है, वो किसी भी एक ओनर को जो है वो गुड्स वापस कर देगा और वो अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। थर्ड राइट होता है कि अगर जो बेलर का टाइटल है वो डिफेक्टिव है, तो फॉर एग्जांपल जो बेलर है उसने क्या किया, गुड्स को चोरी करके कहीं से लाया था और उनका पोजेशन अब अपने फ्रेंड को पकड़ा दिया। अब जो फ्रेंड है उसे नहीं पता था कि जो गुड्स हैं वो चोरी के हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बेली है, जब उनका जो टाइम पीरियड है जिस टाइम के लिए गुड्स को बेल किया गया था, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा या जिस पर्पस के लिए दिए गए थे वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, तो बेली अगर उन गुड्स को उस बेलर को हैंडओवर कर देता है जिसका टाइटल ऑलरेडी डिफेक्टिव है, जो चोरी करके लाया था, तो यहाँ पे बेली की कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती टुवर्ड्स द रियल ओनर। तो रियल ओनर आके बेली को ये नहीं कह सकता कि तुमने मेरे गुड्स जो है वो इस बेलर को वापस क्यों करे, ये तो मेरे गुड्स थे। तो बेली जो है वो गुड फेथ में अगर ऐसा करता है, उसे नहीं पता कि जो बेलर का टाइटल है वो डिफेक्टिव है, तो यहाँ पे बेली के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। उसके पास राइट है कि जिस पर्सन ने उसे गुड्स दिए हैं वो गुड फेथ में उस पर्सन को उसके गुड्स वापस कर देगा, तो चाहे वो ट्रू ओनर है या नहीं है इससे बेली को कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट राइट है राइट ऑफ लीन। लीन का मतलब होता है टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, यानी कि बेलर जब तक बेली को उसके लॉफुल चार्जेस पे नहीं कर देता, तो इन दैट केस बेली के पास राइट है कि वो उन गुड्स को अपने पास कस्टडी में रख सकता है और उनको बेलर को वापस नहीं करेगा। यानी कि हम उसे राइट दे रहे हैं कि जब तक तुम्हारा सारी पेमेंट बेलर ना कर दे तुम उसके गुड्स उसको वापस मत करो। तो फॉर एग्जांपल, आपने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया और वहाँ पे आपने क्या किया, आप उससे मोबाइल वापस लेके आना चाहते हैं लेकिन आपने कहा भैया पैसे नहीं है मैं 2 दिन बाद दूंगा, तो यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास राइट है कि वो आपको आपके गुड्स जो है वो तब तक नहीं देगा जब तक कि आप उसे पेमेंट ना कर दो। बट ये राइट तब तक ही एक्सरसाइज हो सकता है जब तक आपके पास गुड्स का पोजेशन है। जैसे ही आपने बेलर को उसके गुड्स वापस कर दिए तभी के तभी आपका जो राइट ऑफ लीन है वो भी आपके पास से चला जाएगा। तो जब आपके पास गुड्स ही नहीं है तो आप अपना जो राइट ऑफ लीन है वो किस पे एक्सरसाइज करोगे? अगर मोबाइल रिपेयरिंग वाली ने आपका मोबाइल फ़ोन वापस कर दिया तो वो वापस आपसे फ़ोन मांगेगा, यार वापस फ़ोन देके जा तू पैसे नहीं देके गया, तो वो आपको वापस थोड़ी ना फ़ोन देने आएगा। तो यानी कि राइट ऑफ लीन तभी एक्सरसाइज हो सकता है जब आपके पास गुड्स है। अगर आपके पास से एक बार गुड्स चले गए तो राइट ऑफ लीन भी बेली के पास से चला जाएगा। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ बेलर की। तो सबसे फर्स्ट राइट है राइट टू इन्फोर्स बेलीज ड्यूटी, यानी कि अगर बेली भी अपनी ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं करता तो बेलर के पास राइट है कि वो उसे कोर्ट में स्यू कर सकता है और अपनी उसकी ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करा सकता है। तो जिस तरीके से बेली के पास राइट था बेलर की ड्यूटी परफॉर्म करवाने का, सिमिलरली बेलर के पास भी राइट है कि वो बेली की ड्यूटी को इन्फोर्स करा सकता है थ्रू द कोर्ट। सेकेंड राइट है राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बेली अगर गुड्स को अनऑथराइज तरीके से यूज़ करता है, इनकंसिस्टेंट यूज़ करता है, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए गुड्स नहीं दिए गए उनके लिए उनको यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे बेलर के पास राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है इवन बिफोर द टर्मिनेशन, इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म और बिफोर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पज़। तो पर्पज़ पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जिस टाइम के लिए दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। जैसे ही बेली ने उन गुड्स को अनऑथराइज तरीके से यूज़ किया तो बेलर के पास राइट आ जाएगा कि वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने जो था हॉर्स अपने नेबर को दिया था कि तुम इसे सेफ कस्टडी में रखो, लेकिन बेली ने क्या किया, उसे कैरेज पर्पज़ के लिए यूज़ करने लग गया, तो यहाँ पे उसने अनऑथराइज तरीके से हमारे हॉर्स को यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमारे पास राइट है कि हम उसे अपना हॉर्स वापस ले सकते हैं एंड बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को वहीं की वहीं टर्मिनेट कर देंगे। थर्ड राइट है टू डिमांड द गुड्स बैक इन केस ऑफ ग्रैचुटस बेलमेंट, यानी कि अगर जो बेलर है उसने ग्रैचुटस बेलमेंट किया था तो वहाँ पे उसके पास राइट है कि वो अपने गुड्स को कभी भी वापस मांग सकता है फ्रॉम द बेली, चाहे पर्पस अकम्प्लिश हुआ कि नहीं हुआ, चाहे टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ कि नहीं हुआ।
तो फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड आपसे आपका लैपटॉप लेके जाता है कुछ काम करने के लिए और आपने उसे ग्रेचुटसली वो लैपटॉप दे दिया, लेकिन उसका पर्पस अकम्प्लिश होने से पहले ही आप उससे वो लैपटॉप जो है वो वापस ले आते हैं, तो यहाँ पे बेलर के पास राइट है कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन और है कि अगर बेलर के ऐसा करने से बेली को कोई नुकसान होता है, कोई भी लॉस या डैमेज सफर करता है बेली, तो यहाँ पे बेलर को उस बेली को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड आपसे लैपटॉप लेके गया, लेकिन आप उसको मीटिंग करनी थी, एक ऑनलाइन मीटिंग उसको करनी थी उस लैपटॉप से, लेकिन उस मीटिंग को कंडक्ट करने से पहले ही आप अपना लैपटॉप अपने फ्रेंड से वापस ले आते हैं, तो यहाँ पे उसकी ऑनलाइन मीटिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उस बेली के हैंड से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लॉस बेली को सफ़र करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस बेली को कॉम्पेंसेट करेगा फॉर एनी लॉस और डैमेज सफर्ड। लास्ट राइट है राइट टू सूट रॉन्ग डूअर, यानी कि अगर कोई थर्ड पर्सन बेली को रोकता है उसके गुड्स को यूज़ करने से या उनको उनके ऊपर काम करने से, तो बेलर और बेली, तो ये जो लास्ट वाला राइट है ये बेलर और बेली दोनों के पास है कि बेलर और बेली उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं, और जो भी अमाउंट रिकवर होगा बेली उसमें से अपने चार्जेस काट के वो सारा अमाउंट किसको हैंड ओवर कर देगा, बेलर को। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक सूट जो है वो स्टिच करने के लिए टेलर को दिया, अब टेलर उस सूट को स्टिच कर देता है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आके उस सूट को चुरा लेता है या फिर झूठ बोलकर उस सूट का जो है वो डिलीवरी ले जाता है, तो यहाँ पे बेलर के पास भी राइट है और बेली के पास भी राइट है कि वो उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हैं, और जो भी अमाउंट रिकवर होगा उस थर्ड पर्सन से टेलर क्या करेगा कि पहले उसमें से अपनी कॉस्ट ऑफ जो स्टिचिंग लगी है, यानी कि जो भी स्टिचिंग चार्जेस होंगे उसको डिडक्ट कर लेगा, और बाकी का जितना भी अमाउंट है वो बेलर को हैंड ओवर कर देगा। तो फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ रिकवर हुआ, तो अपनी 200 रुपये की सिलाई काटने के बाद 800 रुपीज़ जो है वो बेलर को हैंड ओवर कर देगा। सो दिस इज़ द लास्ट राइट विच इज़ अवेलेबल टू द बेलर एंड बेली।